झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू शनिवार को ईडी के समक्ष पेश हुए। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था और ईडी के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र एजेंसी ने इसी मामले में हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। धीरज साहू सुबह करीब 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि ईडी धीरज साहू से हेमंत सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों और पिछले महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के दिल्ली स्थित आवास पर तलाशी के दौरान जब्त की गई लग्जरी कार के संबंध में पूछताछ कर उनका बयान दर्ज करना चाहती है। 10 फरवरी को ईडी की पूछताछ के बाद कांग्रेस सांसद धीरज साहू ईडी ऑफिस से बाहर निकले और मीडिया के सवालों पर उन्हें जवाब दिया कि ये पूछताछ बीएमडब्ल्यू के बारे में था, जो कोई मामला ही नहीं है और कार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की नहीं है, ये किसी और की है, इसी को लेकर जांच की जा रही है। वही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह झूठ है, वह मेरी कार नहीं है। बता दें कि अभी तक ईडी के सभी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं और पूर्व सीएम से धीरज साहू के संबंध के बारे में भी कोई बयान अब तक नहीं आया है और 11 फरवरी को भी उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। कहा जा रहा है कि ईडी धीरज साहू और हेमंत सोरेन को आमने सामने बैठा कर पूछताछ कर सकती है। प्रभात खबर .com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।